हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे नीट यूजी एग्ज़ाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि एजुका जोन पब्लिकेशन कंपनी की बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। दोस्तों, इस बुक की खासियत की बात करते हैं तो इसमें आपको 35 चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस जो है 1988 से 2022 तक के मिल जाएंगे। इसमें अगर हम बात करेंगे नंबर वन फीचर, तो 100% अपडेटेड फुल सॉल्वड पेपर 2022 के रखे गए हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आपको 2 ईयर्स का प्रीवियस नीट एंड AIPMT के क्वेश्चंस आपको इस बुक में मिलेंगे। इसके साथ ही नंबर थर्ड, इसमें दोस्तों सबसे अच्छी बात, काफी अच्छे तरीके से जो है एक्सप्लेन किया गया है। एंड नंबर फोर, 2500+ क्वेश्चन दोस्तों आपको इस बुक में मिलने वाली है। एंड चैप्टर वाइज दोस्तों आपको नीट ट्रेंड एनालिसिस जो है 2010 से 2022 तक मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आगे आप लोग देखोगे तो ये आप लोग देखिए, यहाँ पे सिलेबस दिए गए हैं। सिलेबस 11th के दिए गए हैं एंड क्लास 12th के यहाँ पे सिलेबस हैं, जो कि टॉपिक यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे टॉपिक आप लोग देख सकते हो, 11th के टॉपिक दिए गए हैं और यहाँ पे 12th के टॉपिक दिए गए हैं। क्लास 11th के यहाँ पे यूनिट वाइज दोस्तों टॉपिक दिए गए हैं और आपको इस टॉपिक में कौन कौन से कॉन्टेंट हैं इसकी यहाँ पे इस बुक में इंफॉर्मेशन दी गई है, ये आप लोग देख लो। इसके बाद दोस्तों जैसे आप लोग नीचे आओगे तो क्लास है, यहाँ पे देखिए कंटेंट दिए गए हैं। और इसके ऊपर जैसे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे क्लास 12th की जो है यूनिट वाइज टॉपिक दिए गए हैं, इसे आप लोग देख सकते हैं। नीचे आओगे तो कंटेंट यहाँ पे दिए गए हैं, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल जो है 38 यहाँ पे चैप्टर्स हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। 342 पेज का दोस्तों ये बुक आप लोगों को जो है मिल जाएगी, जिसमें ये आप लोग देखोगे तो चैप्टर दिए गए हैं द लिविंग वर्ल्ड, और यहाँ पे देखोगे टॉपिक है और टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं। सॉल्वड पेपर्स हैं, देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है और 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और जैसे आप लोग यहाँ पे आओगे तो नीचे आओगे तो ये जो सारे क्वेश्चन हैं इसको दोस्तों एक्सप्लेन भी किया गया है, और काफ़ी अच्छे तरीके से दोस्तों यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। क्लियर है? बाकी दोस्तों बता दें आप लोगों को, अगर इस बुक को बाय करने वाले हो तो आप लोग जो है किसी भी बुक शॉप पर जो है इस बुक को आप लोग बाय कर सकते हो, साथ ही अगर आप लोग ऑनलाइन बाय करने वाले हो तो दोस्तों आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके तीनों बुक आप लोग बाय कर सकते हो। नीट फिजिक्स एंड नीट केमिस्ट्री एंड नीट बायोलॉजी के लिए आप लोग यहाँ पे बुक बाय कर सकते हो। दोस्तों शॉप पर आपको बुक मिल जाएगी, साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाके आप लोग बाय कर लो। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं आपके यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूँ। प्यारे दोस्तों, आज की डेट में बहुत ही बड़ी खबर नीट वालों के लिए लेकर आ चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, नीट यूजी एग्ज़ाम 2023, दोस्तों नीट यूजी एग्ज़ाम जो है 7 मई 2023 को होने वाला है। तो आज है 29 मार्च, आज की चार बहुत ही बड़ी खबर लेकर आ चुका हूँ। जैसा कि आप लोग देखोगे 20 लाख से अधिक फॉर्म यहाँ पे भरे जाएंगे, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है 6 अप्रैल रखे गए हैं। इसमें देखोगे तो दैनिक भास्कर की तरफ से बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है, मेडिकल एंट्रेंस यूजी फॉर्म फिलिंग अंतिम चरण में पहुंची, आवेदन 6 अप्रैल तक कर सकेंगे नीट। यहां पे देखिए, प्रदेश के स्टूडेंट्स देश में तीसरे नंबर पर, यूपी के छात्रों की सफलता दर सबसे अधिक, 8.83 लाख स्टूडेंट्स जो है हासिल नहीं कर सके 720 में 117 अंक, संख्या 20 लाख तक पहुंचने की उम्मीद। जो यहां पे फॉर्म भरने की जो संख्या है 20 लाख तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही यहां पे कोटा जो वैकेंसीज की जो यहाँ पर सीटों की जानकारी है उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि प्रदेश से 82,000 छात्रों ने किया था नीट 2022 क्रेक। तो ये देखिए दोस्तों, राजस्थान की यहाँ पे रिपोर्ट है, बाकी बताया जा रहा है कि यूपी के छात्रों की सफलता दर सबसे अधिक है। बाकी दोस्तों कितने फॉर्म भरे जाएंगे इस न्यूज़ की हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ऑफिशियल प्रूफ के साथ देने वाले हैं। तो अगर आपने नीट का फॉर्म भरा है तो ये इन्फॉर्मेशन आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको लेके चलते हैं न्यूज पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखोगे मैंने कटिंग ले रखी है, और यहाँ पे देखिए जयपुर
29 मार्च 2023 युवा शिक्षा अवसर दैनिक भास्कर जयपुर बुधवार 29 मार्च 2023 पेज नंबर 14 पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इन्फॉर्मेशन देखिए क्या है कि बोला क्या जा रहा है 8.83 लाख स्टूडेंट्स जो हासिल नहीं कर सके 720 में 117 अंक। एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि पिछले साल नीट की क्वालिफाइंग कट ऑफ 117 अंक थी, 8.81 लाख स्टूडेंट्स इस कट ऑफ को हासिल कर पाए, वहीं 8.83 लाख इस कट ऑफ को हासिल करने में सफलता हासिल नहीं कर पाए थे। कुल 17.64 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा में भाग लिया था, कट ऑफ का प्रतिशत मात्र 16.25 रहा था। संख्या 20 लाख तक पहुंचने की उम्मीद। नीट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है इस साल जो है 20 लाख छात्रों के भाग लेने की उम्मीद है। परीक्षा 7 मई को आयोजित की जाएगी। तो आज की डेट में सबसे बड़ी अपडेट यही निकल के आ रही है कि पिछले साल जो है देखोगे तो 17,64,000 फॉर्म भरे गए थे, लेकिन अभी दोस्तों 2023 में जो एग्ज़ाम 7 मई को होने वाला है इसमें अगर हम बात करते हैं तो लगभग 20 लाख तक जो उम्मीद यहां पे जताई जा रही है कि 20 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, क्लियर है। तो ये देखिए आज की डेट में बड़ी खबर दैनिक भास्कर में पब्लिश की गई है। इसके अलावा देखिएगा तो यहाँ पे जानकारी है मेडिकल कॉलेजों की 85% सीटों पर स्टेट कोटा और 15% सेंट्रल कोटा से दाखिला मिलता है। नीट पीजी में सेंट्रल कोटा और स्टेट कोटा 50-50% रहता है। नीट यूजी में संबंधित स्टेट के स्टूडेंट्स को अधिक फ़ायदा मिलता है। अभी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा नीट यूजी की फॉर्म फिलिंग अब अंतिम चरण में पहुँच गई है। आवेदन 6 अप्रैल रात 9 बजे तक किया जा सकता है। परीक्षा में अब तक राजस्थान के छात्रों का प्रदर्शन अच्छा रहा, इसके बावजूद पिछले साल राजस्थान से क्वालिफाई करने वाले छात्र देश में 3रे नंबर पर रहे थे। उत्तर प्रदेश से कुल 1,17,000 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया जो कि सबसे अधिक थे, वहीं महाराष्ट्र से 1.13 लाख और राजस्थान से नीट की कट ऑफ हासिल करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 82,000 थी। टॉप 50 स्टूडेंट्स की सूची का विश्लेषण किया जाए तो इस सूची में सबसे अधिक 9 स्टूडेंट्स जो है कर्नाटक से थे, दिल्ली तथा गुजरात से इस सूची में 5-5 छात्र शामिल रहे थे। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, नई दिल्ली और पश्चिम बंगाल से इस सूची में 4-4 छात्र सम्मिलित थे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा राजस्थान से इस सूची में 3-3 स्टूडेंट्स जो है शामिल थे। तो यहाँ पे आज की डेट में ये बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है, फॉर्म फिलिंग अंतिम चरण में पहुँची है, आवेदन 6 अप्रैल तक कर सकेंगे। इसमें यही बताया जा रहा है कि 20 लाख से यहाँ पे अधिक हो सकते हैं या तो 20 लाख के आसपास जो है अभी 2023 में फॉर्म जो है भरे जाएंगे। पिछले साल के मुताबिक अब की बार जो है कंपटीशन ज़्यादा होगा। पिछले साल 17,64,000 यहाँ पे फॉर्म दोस्तों भरे गए, लेकिन अभी दोस्तों 20 लाख के आसपास फॉर्म भरने की उम्मीद यहाँ पे जताई जा रही है, क्योंकि अभी जो लास्ट डेट है ये दोस्तों 6 अप्रैल रखी गई है, बाकी 7 मई 2023 को आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। मैंने बुक के बारे में आपको जानकारी दे दी, अगर आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का बुक लेने वाले हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जल्दी से बुक को बाय कर लो, आपको सॉल्वड पेपर्स की बुक मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा न्यूज़ जरूर बताइएगा, कैसा लगा अपडेट नीचे जरूर कमेंट कर दो। धन्यवाद।